हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। इस वीडियो में हम लोग APEDCET यानी BEDCET का जो है आंध्र प्रदेश का उसका एडमिट कार्ड रिलीज़ हो गया, कैसे डाउनलोड करना है वो बताऊंगा। स्टेप बाय स्टेप देखें बिकॉज वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखें बिकॉज वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या करना है, किसी भी ब्राउजर में google.com ओपन करना है और वहाँ पर आपको लिखना है APEDCET 2020। उसके आगे आपको लिखना है IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ APEDCET से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आती है। इसे सर्च करेंगे, जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं APEDCET 2020 और यहाँ पे लिखा हुआ है IAS पेपर। एक्जैक्टली यही चीज़ चाहिए थी, यही चीज़ मिल चुका है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे, मैं जूम कर देता हूँ इस पेज को 150%। यहाँ पे देख सकते हैं APEDCET BEd एडमिट कार्ड रिलीज, यानी APEDCET का BEd एडमिट कार्ड रिलीज हो चुका है। किस दिन? 25 सितंबर 2020 को, यानी आज के दिन निकला हुआ है। आंध्र प्रदेश का जो EDCET होता है, इसके थ्रू आप BEd में एडमिशन लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे नेट ऐप में जाएंगे। ऑल राइट, मैं जूम कर देता हूँ इसे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए, ये भी रजिस्ट्रेशन नंबर है आपका। यहाँ पे क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन का हॉल टिकट नंबर डाल दीजिए और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपको वही लिखना है जो आपके 10th के मार्कशीट के ऊपर है, कुछ भी गलत नहीं लिखना। ओके, एग्जैक्टली सेम डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए आप यहाँ पे। ऑल राइट, और यहाँ पे डाउनलोड हॉल टिकट पे क्लिक करना है। जैसे डाउनलोड हॉल टिकट पे क्लिक करेंगे, आपका हॉल टिकट आपके सामने होगा एंड दिस इज़ व्हाट द थिंग इज। अगर आपको कोई डाउट है डेफिनेटली आप कमेंट करें। मैंने पूरी कोशिश की है आपको APEDCET से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन देने की। उससे पहले बता दूँ कि जो सामने आपके फॉर्म है, आप इस फॉर्म को ज़रूर भर दीजिए। अपना फुल नाम, आपका ईमेल आईडी, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आप कौन से स्टेट से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आंध्र प्रदेश का हूँ तो आंध्र प्रदेश पर क्लिक करूँगा। आप कहीं और के हो सकते हैं, आंध्र प्रदेश के कहाँ के हैं, तो मैं आंध्र प्रदेश के एग्जाम्पल के तौर पर कवाली में रहता हूँ। अगर आप किसी ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गांव के हैं, तो भी आपको अपने नज़दीकी शहर का या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखना पड़ेगा। अगर आप मेरी बात करें तो मैं एक ग्रामीण क्षेत्र में रहता हूँ, गांव में रहता हूँ, शहर से काफ़ी दूर है, दुर्गम इलाका है, बिजली पानी सुख सुविधा। तो यहाँ पे आपने लिख दीजिए आप कौन से कोर्स में इंटरेस्टेड हैं। तो बीएड है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़ का पार्ट, और यहाँ पे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन लिख के गेट फ्री काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं, जिससे APEDCET से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आना शुरू हो जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।